कि हाँ जाओ हम किसी और को ले लें बहुत मतलब। तो अगर राजवीर ही चला जाएगा तो शो कैसे होगा सिचुएशन आई है उनके घर पे जहाँ उनके घर में इतनी खुशी आई है और कोई भी पापा चाहेगा कि हम अपने बेटे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी मैंने उनसे ये बात पूछी भी कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो मतलब यू नो मैनेज हो सकती है चीज़ें ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती तो उन्होंने फिर बताया कि नहीं ऐसा है फैमिली को टाइम चाहिए एंड स्टाफ तो हाँ वी ऑल वो शॉक वी ऑल मतलब हम बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा कैसे अज ये मतलब अजूनी शो राजवीर अजूनी पे है तो अगर राजवीर ही चला जाएगा तो शो कैसे होगा तो भैया इट वाज डिफ़िकल्ट टू बिलीव बट नाउ आई नो दैट ही इज़ नॉट गोइंग एनी वेयर हो गई है चीज़ें मैनेज हाँ कि दीपिका भी हाँ तो जब मैं उनसे हॉस्पिटल में मिलने गई थी तब भी ये बात हुई थी और यही चीज़ थी बट uh, मैंने तो उतना नहीं समझाया मैंने बस उन्हें यही कहा कि यू नो सी बिकॉज वो मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार है उन्हें पता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट बट मैंने यही कहा कि चीज़ें मैनेज हो सकती है अगर हो पॉसिबल तो मत करना प्लीज़ तो हाँ हो गई चीज़ें मैनेज नाउ ही इज़ नॉट क्विटिंग ऑफ़ कोर्स अगर uh, ऐसी कोई सिचुएशन आई है उनके घर पे जहाँ उनके घर में इतनी खुशियाँ आई है और ऑफ़ कोर्स कोई भी पापा चाहेगा कि हम अपने बेटे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें तो uh, ये मैंने हमेशा इससे कहा है कि हमारा प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है और स्टार्टिंग से हर चीज़ में उन लोगों ने सपोर्ट किया है मेरे मुझे सपोर्ट किया हो या कोई भी एक्टर हो सबको ही तो ये बहुत अच्छी बात है उनकी कि उन्होंने समझा शोएब की प्रॉब्लम को और यू नो कोई और शायद होते तो, तो, तो लाइक कि हाँ ठीक है जहाँ हम किसी और को ले लेंगे तो बहुत था ही इज़ नॉट गोइंग एनी ही इज़ अ पार्ट ऑफ द शो एंड ही विल बी अ पार्ट ऑफ द शो